खरगोन के बिस्टान रोड पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर एक इनोवा कार से तकरीबन 50,000 रुपये की अवैध विदेशी शराब जब्त की है। साथ ही 50,000 रुपये नकदी सहित वाहन को भी कब्जे में ले लिया है और आबकारी अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज करके एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। बताया जा रहा है धार जिले के ग्राम गुजरी का चालक मयूर इनोवा कार से साथी रोहित के साथ शराब की कुल 13 पेटी खपाने की फिराक में घूम रहा था, जिसे पुलिस ने दबोच लिया है। जबकि दूसरा साथी रोहित मौके से फरार बताया जा रहा है, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। कोतवाली पुलिस को एक विश्वस्त मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक इनोवा कार में अवैध रूप से शराब का परिवहन किया जा रहा है, और सूचना के बाद उन लोगों ने बिस्टान नाके पर नाका लगाया, एक इनोवा गाड़ी को पकड़ा। इनोवा में जो ड्राइवर था वो, उसका नाम पूछा तो मयूर ठाकुर उसने अपना नाम बताया है और गुजरी थाना धामनोद जिला धार का रहने वाला है। और जब गाड़ी की उन्होंने उसके जो कंडक्टर साइड एक लड़का और बैठा था, रोहित नाम था उसका, वो जैसे ही गाड़ी रुकी वैसे ही भाग गया। फिर तलाशी ली तो उसमें करीब 13 पेटी अंग्रेजी शराब भरी हुई पाई गई है। फिलहाल उसमें प्रकरण 34(2) आबकारी अधिनियम का कायम किया गया है, उसका पता लगा रहे हैं कि ये गाड़ी किसके नाम से है, कहाँ ले आ रहे सर, और ये शराब कहाँ जा रही थी। ड्राइवर का ये कहना है कि वो जो साथ में बैठा था रोहित, उसने ये गाड़ी भरवाई थी और वो कहाँ ले जा रहा था उसी को मालूम है। क्या कीमत भी फिर भी हम वो उसका पता रसी कर रहे हैं। अवैध शराब है, उसमें 10 पेटी देसी प्लेन है और 3 पेटी गोवा विस्की है। तो करीब 110 रुपये का एक क्वार्टर आता है, उसके हिसाब से करीब 50,000 रुपये की ये शराब है और उसके पास 55,000 रुपये नकद भी प्राप्त हुए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।